फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। तो आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा दिल के करीब है मेरे, क्योंकि ये मेरी मम्मा की स्पेशल रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी है गुजरात के फेमस खमन ढोकला। जी हाँ, हमेशा आपकी कंप्लेंट रहती होगी कि जो खमन ढोकला है वो प्रॉपर नहीं बन पाते हैं या फिर हमने मार्केट में जैसे खाए थे वैसे नहीं बने। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ और बहुत ही ज्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, स्पॉन्जी खमन ढोकला बनाएंगे हम। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबका स्वागत है सिंपलीफाई योर कुकिंग के किचन में और आज हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज बनने वाले हैं एकदम चटपटे और बिल्कुल गुजराती स्टाइल में खमन ढोकला। देखिए पहले इसकी शक्ल सूरत हम देख लेते हैं कि बिल्कुल है ना, बिल्कुल गुजरात जैसे, और खाने में भी ये बिल्कुल गुजरात जैसे हैं, जैसे आप वहाँ पर खा के आए होंगे कभी अगर आप गए होंगे तो। और देखिए कितना स्पॉन्जी है, अंदर कितनी अच्छी जाली बनी है। तो ऐसे ढोकले बनाने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक बोल में 1 कप बेसन ऑलरेडी ले लिया है और ये दूसरा कप है। टोटल हम 2 कप बेसन लेंगे। बेसन आपको बारीक वाला लेना है जो आप घर में करी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही बारीक वाला। बेसन लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। हल्दी यहाँ पर थोड़ी सी ली है, पिंच जितनी, ज़्यादा हल्दी इसमें मत डालिएगा नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ नींबू के फूल, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। दिखने में बिल्कुल शक्कर जैसा होता है, चीनी जैसा। तो ये हम 1 टीस्पून जितना लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, हम पूरा 1 टीस्पून भर के लेंगे अगर हम 2 कप बेसन ले रहे हैं। तो पहले हमें इसे ड्राई मिक्स करना है, ये देखिए। तो बेसन यहाँ पर छना हुआ ले, मैंने ऑलरेडी छान के लिया था बेसन, नहीं तो इसमें बेसन की जो है गुटलियाँ बनने लग जाएगी। यहाँ पर 1 मग पानी लिया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा कॉफ़ी मग है मेरे पास। और ये पानी हम धीरे धीरे डाल के, मैं आपको कंसिस्टेंसी बताऊँगी कि कैसी रखनी है, यही इसकी मेन ट्रिक है। आपको कंसिस्टेंसी पहचानना आना चाहिए तो आपके जो खमन ढोकले हैं वो एकदम परफेक्ट बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पतला बैटर रख लेते हैं, उसकी वजह से फूल नहीं पाते हमारे खमन ढोकले। और कभी कभी अगर गाढ़ा बेसन रह जाता है तो खमन ढोकले खाने में बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 टेबल स्पून के जितना ऑयल। जी हाँ, गीले बेसन में हम डालेंगे और ऑयल जो है ठंडा ही है। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इस तरीके से आपको ऐसे ऊपर से नीचे बेसन को गिराना है। अगर सीधी लंबी लकीर गिरती है तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है बेसन की एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर ये टूट टूट के गिर रहा है नीचे, मतलब पतला है बेसन, तो आपको उसमें थोड़ा बेसन और डालना पड़ेगा। और अगर ये सीधी लकीर में गिर रही है, प्रॉपरली गिर रही है, ज़्यादा टिक नहीं रही है चम्मच पे या किसी स्पैचुला पे, तो आप समझ जाइए कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम यहाँ पर प्लेट को ग्रीस कर लेंगे नॉर्मल ऑयल से। प्लेट को ग्रीस करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसकी जो साइड्स हैं वो भी हमें वहाँ पर भी ऑयल लगाना है, वहाँ छोड़िएगा मत। और अब मैंने यहाँ पर एक इडली कुकर जो होता है हमारा, स्टीमर जो होता है, वो मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्लेट को बाहर नहीं रखना है, प्लेट को भी अंदर गर्म होने के लिए रखना है। तो प्लेट गर्म होगी तब तक हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस कर लेते हैं। मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगी, इसलिए मैं इसे एक अलग बर्तन में थोड़ा सा और ले लेती हूँ। ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए आप, यहाँ पर कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये देख लीजिए एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। और आधा बैटर मैंने इसमें ले लिया है और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो। यहाँ पर मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का फ्रूट सॉल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग हमें इतने बैटर में 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून के करीब हमें फ्रूट सॉल्ट लेना है। उस पर 1 छोटी चम्मच के करीब आप पानी जैसे ही डालेंगे ना तो एकदम से झाग बनेगा, और यही झाग हमें चाहिए बेसन का जो बैटर है उसको जाली देने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि बेसन में फ्रूट सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे छोड़ना नहीं है, फटाफट इसे हिला लीजिए, फ्लफी हो जाए, हल्का हो जाए बेसन, वैसे ही आप तुरंत इसको प्लेट में ऐड कर दीजिए जो कि ऑलरेडी गर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो गर्म प्लेट में जब आप बेसन को डालेंगे ना तो क्या होगा, उसकी कुकिंग प्रोसेस
तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और जो जाली है वो बंद नहीं होगी, मतलब जाली बैठेगी नहीं। कभी कभी आपका जो ढोकला है वो फूलता नहीं होगा ना, तो यही रीज़न होगा, अगर आप फ्रूट्स और डाल के उसको रख देते हैं तो वो नहीं फूलता है। अब यहाँ पर 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। ये देखिए 20 मिनट के बाद जब नाइफ़ डाल के आप चेक करेंगे तो नाइफ़ जो एकदम क्लियर आना चाहिए। अब हम करेंगे तड़का। इसका तड़का बिल्कुल अलग है नॉर्मल तड़के से। यहाँ पर मैंने बिना ऑयल वगैरह कुछ भी लिए सीधी राई इसमें डाल दी है पैन में, और हमें इस राई को रोस्ट करना है और ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। तो रोस्ट कैसे पता चलेगा आपको कि रोस्ट हुई है या नहीं, तो मैं यहाँ पर अगर आपको पास से दिखाऊँ तो राई के दाने फूट रहे हैं, तो आप समझ जाइए जब राई के दाने फूटने लग जाए तब ये रोस्ट हो चुकी है। इसका हल्का सा जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और ये देखिए इस टाइप की ग्रेइश हो जाएगी थोड़ी सी। और अब इसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। उसमें हरी मिर्ची को इस तरीके से काट के हम ऐड कर देंगे, और इसमें मिर्ची को आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मिर्ची का कलर चेंज हो उससे पहले हम फटाफट इसमें डाल देंगे पानी। जी हाँ, यहाँ पर 1 मग पानी लिया है, और इतना पानी लेना इसमें ज़रूरी है, ये गुजराती स्टाइल का खमन है। यहाँ पर मैंने ली है चीनी, और चीनी लगभग यहाँ पर 4 चम्मच लूँगी मैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, चीनी जब तक मेल्ट होगी तब तक हमें इसे बॉईल करना है। लगभग 1 बॉईल में चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो अब हम इसको अच्छे से काट लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो खमन ढोकला की जो प्लेट्स है वो 2 बन के रेडी हो चुकी है। इतने बैटर में आपकी 2 प्लेट्स बनेगी, और अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट आपको इसे ठंडा करने के बाद ही करना है, गर्म में कट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो कट नहीं होगा, बिल्कुल इसकी खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि हमने इसमें बारीक वाला बेसन इस्तेमाल किया है ना, इसलिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका क्लोजअप तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं, और इसमें जो जाली बनी है वो इसीलिए बनी है ताकि हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, फटाफट फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद फटाफट हमने इसको प्लेट में सेट कर दिया था। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको डालने के लिए आपको देर नहीं करनी है, और प्लेट गर्म होनी चाहिए। पहले से प्लेट को गर्म करने के लिए आप अंदर रख दीजिए उसको, स्टीमर के अंदर, ठीक है। अब ये जो पानी है, हमने जो पानी प्रिपेयर किया है उसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और जब तक हमारे जो ये हैं वो भी ठंडे हो चुके होंगे, तो अब क्या करना है, हल्के हल्के दोनों गर्म हो तब हमें इस तरीके से इसका जो पानी है वो इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करना है। तो आपने देखा होगा कि आप जो खमन खाते हैं अक्सर, खास करके गुजरात में, या फिर अगर आप कहीं और गुजराती खमन खाते हैं, थोड़े से जूसी होते हैं, तो यही होता है वो, इसका जो जूस होता है वो यही होता है, इसी तरीके से बनाए जाते हैं और ये सालों से इसी तरीके से बनते आ रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर जो राइस सेक के रखी थी ना, वो राइस के ऊपर हम ऐड कर देंगे, और फिर फाइनली हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए ये धनिया जो है इस तरीके से इंस्टेंट कट करके आप ज़रूर से ऐड करें। धनिया ऐड कर दिया है मैंने, और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो एक चीज़ हमेशा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जब हम ये जो इसका तड़का है जब हम इसके ऊपर डालें, तड़का डालने के बाद 10 मिनट के लिए आप खमन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसे खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है। येलो एंड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो देख के ही, मतलब आई कैची है बहुत ज़्यादा, देख के ही खाने का मन करेगा, लेकिन आप खाएंगे तभी ना जब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो टेस्टी खमन ढोकला की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव मुझे ज़रूर से बताएं। तो ये देखिए हमारा फाइनल खमन ढोकला बनके रेडी हो चुका है। तो इसमें घर के इंग्रेडिएंट है सारे आपको मिल जाएंगे अभी भी घर में। तो ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है। आप मेरी टिप को हमेशा याद रखिएगा तो आपके खमन ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी, और जिनके दांत नहीं है ना वो भी इजीली खा लेंगे, इतने सॉफ्ट हैं। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, और इस टाइम पे अपना बहुत ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सैटरडे को, तब तक के लिए बाय बाय।